बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने FSC पार्ट टू चैप्टर वन का लास्ट टॉपिक करना है। फाइनली चैप्टर वन एंड हो गया है। लेक्चर नंबर 17, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। बोर्ड में काफी दफा आया है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को हमने एक्सप्लेन करना है विद द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ थ्री ग्रुप्स, जिसमें ग्रुप फर्स्ट ए, ग्रुप फोर्थ ए और ग्रुप सेवन्थ ए आएंगे। अब बोर्ड में ये क्वेश्चन किस तरह आता है, वो किसी भी एक ग्रुप के साथ सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस दे देते हैं कि राइट डाउन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप फोर्थ है और ग्रुप सेवन्थ है। समटाइम वो दो के साथ भी दे देते हैं, समटाइम वो एक के साथ भी दे देते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आपने लाजमी करना है। आसान है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन को अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोजले पीरियोडिक टेबल में देखें तो वो एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट ए ग्रुप होता है। फर्स्ट ए ग्रुप हमारे क्या है, अल्कली मेटल्स। अब हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज हमने देखनी है। हाइड्रोजन सिमिलर प्रॉपर्टीज रखता है इन थ्री ग्रुप्स के साथ, जिसमें ग्रुप फर्स्ट ए आ जाता है जो अल्कली मेटल होते हैं, ग्रुप फोर्थ ए आ जाता है जिसको हम कार्बन फैमिली कह देते हैं, और ग्रुप सेवन्थ ए आ जाता है जिसको हम हैलोजन्स बोलते हैं। तो हाइड्रोजन है सेम प्रॉपर्टीज सम, ठीक है, एट सम एक्सटेंट सेम प्रॉपर्टीज होती हैं इन तीनों के साथ। अब देखें ग्रुप फर्स्ट है, देखें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रंटियम। ये नेम आपको याद होने चाहिए। चैप्टर एंड हो गया है, आई होप अब आपको ये नेम्स याद हो गए होंगे। ग्रुप फोर्थ है कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सो ऑन। ग्रुप सेवन्थ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। दिस इज हेलोजन्स। पहले हम सिमिलैरिटीज देखेंगे हाइड्रोजन की विद अल्कली मेटल्स, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ए ग्रुप। सबसे पहली सिमिलैरिटी क्या है कि लाइक फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सो ऑन। जिस तरह फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसी तरह हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। दिस इज फर्स्ट सिमिलैरिटी। हाइड्रोजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्या बनाने के लिए, पॉजिटिव आयन, एच पॉजिटिव आयन बनाने के लिए। इसी तरह अल्कली मेटल एल आई प्लस, एन ए प्लस, के पॉजिटिव आयन, ये भी सिमिलैरिटी हो गई। थर्ड वन इज बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स कंबाइन विद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स हैलोजन्स, फॉर एग्जाम्पल एच सी एल, एल आई सी एल, ये है किसका है, कॉम्बिनेशन है विद हैलोजन्स। उसके बाद आती है लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। हमने अल्कली मेटल्स को डिटेल से पढ़ा है, हमें पता है कि दे ऑलवेज फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स एंड जस्ट लाइक हाइड्रोजन। और इन दोनों के वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस शेल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दोनों की क्या है, सेम है। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल्स। अब हम देखेंगे डिसिमिलैरिटीज दोनों की, कि हाइड्रोजन की और अल्कली मेटल्स एक दूसरे में क्या चेंजेस हैं। अब हाइड्रोजन क्या है जी, नॉन मेटल है, वेयर एज एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए, जैसे हम उसके नाम में ही लिखते हैं अल्कली मेटल्स, सो दे आर मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल दो अलग चीजें हैं, ये पहला डिफरेंस आ गया। सेकेंड क्या है, हाइड्रोजन कैन फॉर्म आयोनिक एंड कोवेलेंट बोथ। हाइड्रोजन आयोनिक भी बनाता है, कोवेलेंट भी बनाता है। जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा था हेलाइड्स, उसमें आयोनिक हेलाइड्स भी थे, कोवेलेंट हेलाइड्स भी थे और पॉलीमेरिक हेलाइड्स भी थे। तो हाइड्रोजन में प्रॉपर्टी है कि वो आयोनिक भी बना सकता है और कोवेलेंट भी बना सकता है, बट अल्कली मेटल डू नॉट। अल्कली मेटल सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। सो दिस इज सेकेंड डिफरेंस। थर्ड इज एज वी नो हाइड्रोजन इज अ गैस H2 एट रूम टेम्परेचर, बट अल्कली मेटल्स जो होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, दे आर सॉलिड। हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में। H2 का मतलब है दो हाइड्रोजन एटम, जिसको हम बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। हाइड्रोजन इज एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक, वेयर एज अल्कली मेटल डू नॉट, दे आर एल आई एन ए के, ठीक है, मोनो एटॉमिक होते हैं, सिंगल एटम होता है उनमें। लास्ट वन इज हाइड्रोजन डोंट लूज इलेक्ट्रॉन इजिली। हाइड्रोजन
अपना इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं करता, उसके लिए हमें कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं। लेकिन जो अल्कली मेटल होते हैं वो आसानी से अपना आउटर मोस्ट शेल में से, वैलेंस शेल में से जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव कर देते हैं। सो दिस इज सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल्स। अब हम लेके आ रहे हैं सेकेंड ग्रुप, हमारे पास जोन सा है सेकेंड ग्रुप, किसके साथ हमने देखनी है सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटी। दिस इज फोर्थ है ग्रुप, एज वी कॉल्ड कार्बन फैमिली। वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन इज हाफ फिल्ड। वैलेंस शेल क्या है हाइड्रोजन का? एस। एस में टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टू। तो जो टू का हाफ क्या है? वन। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का वैलेंस शेल क्या हो गया? हाफ फिल्ड। सिमिलरली ग्रुप फोर्थ है एलिमेंट्स का भी क्या होता है? हाफ फिल्ड होता है। सेकेंड वन, बोथ हाइड्रोजन एंड ग्रुप फोर्थ है एलिमेंट्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। जी, हमने भी पीछे पढ़ा है कि हाइड्रोजन कोवेलेंट भी बनाता है, आयोनिक भी बनाता है। तो जब कोवेलेंट बनाएगा तो ग्रुप फोर्थ है सारे क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बनाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। तो ये क्या हो गई? इनकी सिमिलैरिटी हो गई। बोथ हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग निकला है रिडक्शन से। ये मेरा एक टोटल लेक्चर था रिडॉक्स रिएक्शन पे, जो मैंने इस लेक्चर से बिफोर अपलोड किया था, आई होप आप सब ने देखा होगा। उसमें रिडॉक्स रिएक्शन को हमने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है, आई होप आप सब ने देख लिया होगा। अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? जस्ट लाइक एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का काम क्या होता है? किसी और के लिए वो काम करना। अगर मैं बात कर रही हूँ रिड्यूसिंग एजेंट की, तो इसने दूसरे एलिमेंट को क्या करना है? रिड्यूस करना है। खुद रिड्यूस नहीं होना, खुद इसने ऑक्सीडाइज हो जाना है। तो कॉपर ऑक्साइड का जब हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, अब इसने क्या करना है? हाइड्रोजन है, अब इसने क्या करना है? रिड्यूस करना है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखता है। रिडक्शन क्या होती है? जिसमें हम बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब तीनों में से एक भी काम होगा तो वो रिडक्शन हो जाएगा। अब हाइड्रोजन क्या करेगा? कॉपर की रिडक्शन करेगा। कैसे करेगा? कॉपर में से ऑक्सीजन को जब निकाल देगा तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, जिसकी वजह से हम बोलेंगे दिस इज रिडक्शन। क्लियर? तो हाइड्रोजन हैज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। सेम नीचे वाला रिएक्शन देखें, हम ले रहे हैं फोर्थ एक एलिमेंट, दिस इज कार्बन। कार्बन का जब हम SnO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन क्या करेगा? SnO2 से ऑक्सीजन को रिमूव करा देगा। तो दिस इज ऑल्सो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो बिलोंग कर रही है ऑक्सीजन के साथ। रिडक्शन में जब ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो वो रिडक्शन होती है। तो हाइड्रोजन और कार्बन की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, वो क्या करेंगे? हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे फ्रॉम द कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, फ्रॉम द कंपाउंड्स। नेक्स्ट है जी डिससिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद द सेम ग्रुप फोर्थ है कार्बन फैमिली। अब हमने डिससिमिलैरिटीज देखनी है। कार्बन और सिलिकॉन पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें एक खास प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन होती है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, जस्ट लाइक लॉन्ग चेन बना लेना, लॉन्ग चेन कंपाउंड। कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना बना के ये अनलिमिटेड लॉन्ग चेन बना लेते हैं। जिस तरह कार्बन की हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में पढ़ा हुआ है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये लॉन्ग चेन बनती जाती है। इसको हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कैटिनेशन एक प्रॉपर नाम दिया जाता है। तो ये कार्बन और सिलिकॉन एलिमेंट्स में तो है, लेकिन हाइड्रोजन में ये प्रॉपर्टी नहीं है। हाइड्रोजन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। फोर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं? टेट्रावेलेंट होते हैं। जैसे ये फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो उनके वैलेंस शेल में भी कितने हो जाएंगे? चार इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो टेट्रावेलेंट हम उसको बोलेंगे। लेकिन हाइड्रोजन क्या है? मोनोवेलेंट है विद वन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे गैस होता है, ये भी हमने पीछे पढ़ा। लेकिन जो आपके ये ग्रुप फोर्थ के एलिमेंट्स है ये तो सॉलिड होते हैं, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया। हाइड्रोजन किस ब्लॉक से बिलोंग करता है? एस ब्लॉक से। और फोर्थ है आपको पता है कि ये पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। जी, अब हमारे पास लास्ट है। लास्ट हमने किसके साथ कंपेयर करना है? इसको सेवंथ एक ग्रुप के साथ, हैलोजन के साथ। पहले हम इसकी सिमिलैरिटीज देखते हैं। लाइक हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन नीड्स वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और हैलोजन्स को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन कैन गेन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा, हेलाइड बन जाता है, ठीक है, और इसी तरह हाइड्राइड बन जाता है। दोनों में सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं।
थर्ड वन इज बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस कंबाइन विद फर्स्ट ए एलिमेंट्स। ये हमने फर्स्ट ए के साथ जब हम पढ़ रहे थे, हमने तब पढ़ा था कि हाइड्रोजन और हैलोजन अल्कली मैटर के साथ कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे NaCl, HCl इस तरह के, HF बन जाता है, तो ये कंपाउंड्स बन जाते हैं। बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एग्जिस्ट इज डायटोमिक, H2F2, Cl2, सो ऑन। बोथ आर नॉन मेटल्स, दे आर नॉन मेटल्स, सो ये हैं सिमिलैरिटीज। अब आ जाएं भाई दिस सिमिलैरिटीज पे, सेवन्थ ए ग्रुप के साथ के क्या डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस क्या है जी, कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हैलोजन के वैलेंस शेल में सात इलेक्ट्रॉन होते हैं। पिछले हमने इसकी सिमिलैरिटी क्या पढ़ी, कि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए। अब हम उसी पॉइंट को आगे चेंज कर दिया है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और हैलोजन्स के वैलेंस शेल में सात इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकंड देखिएगा, बाय लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्या बनाता है, जब वो लूज करेगा तो क्या बनाएगा, एच पॉजिटिव। और हैलोजन्स क्या करते हैं, वो लूज नहीं करते। हाइड्रोजन लूज भी करता है, गेन भी करता है, आयोनिक कंपाउंड भी बनाता है, कोवेलेंट भी बनाता है, लेकिन जो हैलोजन्स हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ गेन करते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। थर्ड वन इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन हाइड्रोजन फॉर्म्स वेरी स्टेबल ऑक्साइड्स, वाइल हैलोजन्स में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, वो ऑक्सीजन के साथ नहीं बनाते, ऑक्साइड्स नहीं बनाते। लास्ट इज हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग मीन इन्होंने किसी चीज को ऑक्सीडाइज करना है, उसमें ऑक्सीजन ऐड करना है, वेयर एज हाइड्रोजन क्या करता है, किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिमूव करवा लेता है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या होगी, रिड्यूसिंग एजेंट वाली, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, और हैलोजेंस की प्रॉपर्टी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला, कि हाइड्रोजन इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द ग्रुप फर्स्ट ए ड्यू टू रिजेम्बलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। हमने मेन क्या लिया जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, जैसे उनके वैलेंस शेल की कॉन्फिग्रेशन क्या होती है, सेम होती है, तो उसकी बेस पे और बाकी प्रॉपर्टीज की बेस पे हाइड्रोजन को कहाँ पे प्लेस कर दिया, फर्स्ट ए एलिमेंट के ऊपर। सो दिस इज द कंक्लूजन। जब आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा कि इसके साथ कंपेयर करें, इस ग्रुप के साथ करें, तो आपने लास्ट पे कंक्लूजन भी लाजमी लिखना है। सो गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग लेक्चर, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।